हेलो एवरीवन, वेलकम टू rsagarwal.com। तो आज हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और जिसके अंदर पार्ट थ्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु आइडेंटिफाइड द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की आपकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसका नाम है आपका जे थॉमसन। पेपर के अंदर एक मार्क्स में जो एमसीक्यूज आजकल आपसे पूछ रहे हैं उसके अंदर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये आपके जे थॉमसन सर हैं जिन्होंने आपकी इसकी डिस्कवरी की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने आपकी कैनाल रेस की डिस्कवरी की थी? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेम द रेस डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। आपको ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि कैनाल रेस की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो किसने की थी बेटा? गोल्डस्टीन ने की थी, और ये है आपके गोल्ड से। एमसीक्यूज में बेटा ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना और एग्जाम में अच्छे से पढ़कर जाना। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? मिस्टर जेम्स चैडविक ने। कैसे दिखते थे ये? कुछ ऐसे दिखते थे। ठीक है, इन्होंने आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? ये चार्जलेस होता है, और कहां मौजूद होता है? आपके न्यूक्लियस में। अगर मैं आपके किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव। और कहां मौजूद होते हैं? ये आपके शेल्स में मौजूद होते हैं। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज बताओ। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आज मैं आपको कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज इसी चैप्टर की बताने वाला हूं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज, ये हमने बात पिछली क्लास में पढ़ी थी। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1, बेसिकली माइनस रिप्रेजेंट करता है। आपके प्रोटॉन का चार्ज +1 से रिप्रेजेंट करता है, और इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का जो मास होता है बेटा वो प्रोटॉन के एकदम इक्वल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो वो 2000 टाइम्स कम होता है किससे? प्रोटॉन से। ये 2000 टाइम्स ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। और इसका मास और इसका मास दोनों का बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करता है? अराउंड द शेल्स, आप लोगों को ये बात पता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहां मौजूद होते हैं? आपके न्यूक्लियस में, जो क्या बना मिलकर बनाते हैं? आपके न्यूक्लियॉन्स को बनाते हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन यही आपका आ गया कि व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स और व्हाट इज देयर नंबर कॉल्ड। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ये कहां मौजूद होता है बेटा? आपके प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इनके नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? अगर इन दोनों को जब प्लस किया जाता है, यानी इन दोनों को अगर जब हम प्लस करें, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं? मास नंबर कहलाते हैं। और इसका एक और नाम होता है बेटा एटॉमिक मास। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स रिप्रेजेंट एज दिस। आपको ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करके दिया है, इन्होंने बोला है कि आप यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालिए और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताइए। तो एलिमेंट है क्या बेसिकली आपका? एक्स 31, 15, वो गलत लिखा हुआ था, एग्जैक्ट आपकी ये फॉर्म है, जिसमें अगर मैं आपसे नीचे से बात करूं तो ये क्या है बेटा आपका? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? मास नंबर। और इसी को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास भी बोलते हैं। वेरी गुड। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं आपके उस एलिमेंट के एटम में। और अगर मास नंबर या एटॉमिक मास की बात किया जाए, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स अपने को पता है कितने हैं सर? 15। तो यहां से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं निकाल सकते कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 31। ये अपने को गिवन है, कितना है? 15 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 31। तो यहां से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा?
16। तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 16 आ गए, और यही आपका क्या था बेटा, आंसर था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और एक एग्जांपल आप हमें दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में पूछूं, तो आप क्या बोलेंगे, सर आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। अगर मैं आइसोबार की बात करूं, आइसोबार, तो ये क्या होता है बेटा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये आपकी डेफिनेशन होती है इन दोनों की। तो इन दोनों में से एक को याद कीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर डेफिनेशन में अगर आप यहां पर देखें, एग्जांपल में देखें, तो एग्जांपल में आपको क्लियर दिख जाएगा कि आपको यहां पे आर्गन दिया है, आपको पोटेशियम दिया और कैल्शियम दिया, तो तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो अलग है, 18, 19, 20, बट आपके तीनों का मास नंबर कितना है, 40, यानी तीनों का मास नंबर यानी एटॉमिक मास क्या है, सेम है। क्लियर हुई वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम और ड्रॉ अ स्केच ऑफ एटम एटॉमिक नंबर 15। बहुत सिंपल है, अगर मैं बोहर एटम के पोस्टुलेट्स की बात करूं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो किस में रिवॉल्व करते हैं, सर इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, शेल्स बोलते हो। दूसरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वह एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। तो दो पॉइंट तो अपने ये हो गए। अगला क्वेश्चन क्या था कि आप 15 एटॉमिक नंबर की आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर यानी बेसिकली स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ। बहुत सिंपल है, एटॉमिक नंबर कितना बोला है, 15। अगर एटॉमिक नंबर 15 बोला है तो इसका मतलब है कि यहां पर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जाहिर सी बात है 15, और यहां पर अगर प्रोटॉन्स 15 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15, क्योंकि एक ये न्यूट्रल एलिमेंट। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो क्या आएगी, KLM285। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5। ऑप्शन क्या है, या तो 0 बनाए या तो 8 बनाए। बनाना क्या आसान है, सर 8 बनाना आसान है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, अगर मैं बात करूं, अगर वैलेंसी की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यानी वैलेंसी 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यानी ये क्या होगा बेटा, नॉन मेटल होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा यानी अनायन की फॉर्मेशन करेगा। अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सेंटर के अंदर क्या है सर, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन मौजूद होंगे, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो इसको N से दिखाते हैं। ये शेल हो गया सर आपका K शेल। ठीक है, K के बाद कौन सा शेल बनाते हैं हम, L शेल, और L शेल के बाद कौन सा शेल बनाते हैं बेटा, M शेल। क्लियर, अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L के अंदर 8, तो इसके अंदर 2 फिल कर दो, 1, 2, इसके अंदर 8 फिल कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। ये M शेल, ये K शेल, ये L शेल, बन गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। बताओ कितना सिंपल था, वैलेंसी भी बता दी, जो जो चीजें बता सकते हैं सभी चीजें बता दी। क्लियर हो गई बात ये, ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके सामने ऐसा बना हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया, आप वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको एलिमेंट का 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए, और मेटल है कि नॉन मेटल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं या साइड में रखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। आपको एक मान लीजिए एलिमेंट वाई दिया है, तो वाई का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 17, तो मैंने इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स है और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस बात को लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा,
KLM 287। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कौन से ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, या तो 0 बनाए या तो 8 बनाए। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो क्या बना सकता है? सर 8 बनाना इसके लिए इजी रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मेटल होगा कि नॉन मेटल? सर जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यह क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा, यानी किसकी फॉर्मेशन करेगा? अनायन की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? सर वैलेंसी 1 आएगी। अगर मैं यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 7 हो गए। अगर यहां मैं पूछूं कि वैलेंस शेल कौन सा है, तो वैलेंस शेल क्या बोलोगे सर? आउटर मोस्ट शेल एम है, तो वैलेंस शेल क्या हो गया आपका? M हो गया। क्लियर? तो पहले का आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी दे दी, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, और क्या बोला है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन y, ये रहा सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बता दिए। अगला क्या पूछा था? कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी वैलेंसी 3 आ गई, ये चीज बता दी। अब मेटल है कि नॉन मेटल, तो ये आ गया, सारी चीजें बता दी। बताओ कोई डाउट? अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा आपसे 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है, आंसर आपको वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहां पे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अगला क्वेश्चन पे चलें, तो यहां तक की पीपीटी थी आपकी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय।